अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज हम बनाने लगे हैं बटर मिल्क या लस्सी जिसको अक्सर लोग कहते हैं, उसकी कढ़ी बनाएंगे हम, जो बहुत ही जल्दी बनेगी और मज़े की बनेगी। हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 3 लीटर हमारे पास लस्सी है, उसमें हम एक ग्लास में अलग करके डालेंगे थोड़ा सा अदरक 1 इंच का टुकड़ा और 6-7 जवे ले लें अगर मोटे हैं तो, या ज़्यादा ले लें। 1 टमाटर, हरी मिर्ची जितनी आपको रिक्वायर्ड हो, और छोटे छोटे 2 प्याज चाहेंगे। इन सब चीज़ों को आपने ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद स्पाइसेस इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून पिसा ज़ीरा, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च और 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें ज़ीरा पिसा हुआ। 2 कप बेसन चाहिए होगा इसमें, उसको हमने डाल के इसमें अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहें। इसको फिर हम ऐड करेंगे लस्सी में और इसको फुल तेज़ आग पे हम पकने के लिए रख देंगे। 6 कड़ी पत्ता लेना है आपने, वो इसमें डाल देना है। फुल तेज़ आग पे आपने पहले इसको पकाना है, अच्छी तरह से ये पकेगा जब तक इसको बॉयल आता है। जब तक कड़ी पकती है हम अपने पकौड़ों का मिक्सर तैयार करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगा 1/2 प्याली धनिया, 1 प्याली भर के पालक और 3 से 4 चाहिए होंगे हमें प्याज। इनको हमने बारीक बारीक काट लेना है। 2 दरमियाने साइज़ के आलू लेके आपने इसको भी बारीक बारीक काट लेना है और वो भी इसमें ऐड कर देने हैं। स्पाइसेस इसमें जाएंगे 4 बड़ी हरी मिर्चें, 1 टीस्पून ज़ीरा पिसा, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून ही जाएगा इसमें भुना कुटा ज़ीरा। और फिर इसमें जाएगा 2 प्याली बेसन, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून जाएगा इसमें हल्दी का। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसमें 1 टीस्पून जाएगा अनारदाना, उसको आपने कूट लेना है फिर ऐड करना है और इसको मिक्स करना है। कढ़ी हमारी को बॉयल आना शुरू हो गया है तो हम इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल सकते हैं ताकि कढ़ी बाहर ना गिरे और पकती रहे अच्छी तरह से। जब इसको बॉयल आ जाएगा फिर हमने इसको दरमियानी आग पर रख के पकाने देना है जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए। साथ साथ आप चम्मच हिलाते रहें ताकि नीचे ना लगे। एक बार कढ़ी को जब बॉयल आ जाता है तो फिर इसका कोई डर नहीं होता कि ये बाहर गिरेगी, तो इसलिए आप इसको दरमियानी आग पे अब पकने दें। और पकौड़ों को हम फ्राई करना शुरू करते हैं तो पकौड़े हमारे साथ साथ फ्राई होते रहेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। कढ़ी जब पक जाएगी तकरीबन तो फिर हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून हल्दी और इसको मिक्स करेंगे तो ये अपना कलर बिल्कुल चेंज कर लेगी। अगर आप स्टार्टिंग में डालेंगे हल्दी तो वो कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसका येलो येलो नहीं रहता, इसलिए मिड में आके डालें तो हल्दी का कलर तकरीबन येलो ही रहता है। साथ हमारे पकौड़े बन रहे हैं और पकौड़े भी बनते रहेंगे, साथ साथ कढ़ी भी पकती रहेगी, इस तरह जल्दी बन जाता है। कढ़ी हमारी तकरीबन पक चुकी है, अब 5 से 10 मिनट मज़ीद लगेंगे इसे और ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। पकौड़े रेडी हो चुके हैं, कढ़ी भी हमारी गाढ़ी हो चुकी है। अब हमने बघारा तैयार करना है, उसके लिए हमें चाहिए होगा 3 कड़ी पत्ता और 5 ले लें आप साबुत लाल मिर्च, 1 टीस्पून भर के चाहिए होगा ज़ीरा। पहले हमने कड़ी पत्ता और लाल मिर्च को थोड़ा सा सोते करना है, तकरीबन ये अपना कलर चेंज कर देगा, कड़ी पत्ता पक जाएगा। फिर हमने इसमें ज़ीरा ऐड करना है और जब ये अच्छी तरह से तड़प जाएगा फिर हम तड़का लगाएंगे।
झटपट कड़ी बिल्कुल रेडी है। आप भी ट्राई करें, मुझे कमेंट में आके बताएं कैसी बनी है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।